और कहीं ना कहीं इंसेन को इस चीज का रीड होना चाहिए था कि लिपोव का में एक टीम का ड्रॉप आता है पॉज का, तो वो उनके लिए दिक्कतें जरूर क्रिएट करेगी, और उस चीज का ध्यान नहीं था। बट हाइड्रा की टीम आईएनडी के लिए दिक्कतें काफी क्रिएट कर रही है, और हाइड्रा की अगर आप रिसेंट ड्रॉप की बात करो तो वो हाइड्रा के नजदीक ही रहता है। ऑलरेडी थोड़ी देर पहले स्नैक्स को काफी डैमेज देते हुए दिखे थे, अब नहीं हो रहा। जो कि ऋषभ है वो नॉक जरूर है, हाइड्रा के प्लेयर्स चाहेंगे जरूर उनको रिवाइवल देने का, रैथ जाएंगे भी और ऋषभ को रिवाइवल इजिली दे दिया जाएगा। जी हाँ, रिवाइवल काफी ज्यादा की फैक्टर यहाँ पे चलता हुआ देखेगा इस टीम के लिए। यहाँ पे एक बार रिवाइवल मिल जाता है दोबारा ऋषभ यहाँ पे ऑन फुट रहेंगे। पाव के लिए यहाँ पे देखने मिले वाले विद दिस ब्यूटीफुल एके में साथ ही यहाँ पे एम4 सेक्शन देखने मिले वाली है। बट क्रेटोस यहाँ पे आ चुके हैं क्लोज में, फाइट लेने की कोशिश है बंदा जरूर से करता हुआ देखेगा। बट देवी को स्पेस देने की कोशिश, अगर लोअर रेंजेस से कहीं शॉट्स कनेक्ट हुए तो दैट वुड बी डैम ऑसम, बट अभी के लिए शॉट्स कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। क्रेटोस बिल्कुल यहाँ पे इस समय पिन डाउन हो चुके हैं। उसके अलावा टीम आईएनडी के बाकी प्लेयर्स की बात करें जाए, बैकअप देने के लिए दमजीत ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं, आतंकी एंड स्नैक्स आर ऑन देयर वे राइट नाउ ट्राइंग टू पुश इन। एंड देखिए आप फिलहाल यहाँ पे गाड़ी आते हुए देखिए त्रुदा मैंने बाप, लेकिन यहाँ पे स्पॉटेड आउट ट्रैगेट की तरफ से ब्रूटस पे एंड क्रेटोस को किया जाएगा पिक ऑफ विद दैट हेडशॉट कनेक्टिविटी। लेकिन अगर बात करी जाए आतंकी और स्नैक्स की, दोनों प्लेयर्स यहाँ पे पुश करने की कोशिश करेंगे। पाव किलो का जाता हुआ देखिएगा अभी प्री कुक नेड, लेट्स सी नेड कनेक्ट होता है या फिर नहीं। स्नैक्स की तरफ नेड जरूर से गया लेकिन थोड़ा सा अंडर कुक नेड यहाँ पे देखने मिलेगा, दैट इज व्हाई नेड की कनेक्टिविटी नहीं बन पाई। पाव किलो ट्राइंग टू टेक दैट 1v1, लेकिन स्नैक्स और आतंकी का जो इस समय पूरा जहर था वो फिलहाल काफी ट्रबल में देखने मिलेंगे। स्नैक्स फिनिश ऑफ होते हुए देखेंगे भाई रात, अब अकेले आतंकी को हैंडल करना पड़ेगा पूरी फाइट को, लेकिन गुड बाय कहते हुए देखेंगे हाइड्रा की तरफ से बेहतरीन कमबैक यहां पे देखने मिलेगा। हाइड्रा ऑफिशियल ट्राइज टू एलिमिनेट टीम आईएनडी यहां पे सक्सेसफुल होती है उस चीज के अंदर, लेकिन वह तो देखिए यहाँ पे ये जो लॉसेस हैं पूरे के पूरे मैच को आपको पलट सकते हैं फिलहाल। तो ये चीजें ना हो, इस चीजों से बचते रहे आप तो दैट वुड बी ग्रेट, बट टीम हाइड्रा इज ऑन फायर एट द मोमेंट। Yeah, you are totally right. Hydra is on the fire. अगर आप बात करें सो इस गेम में अलग ही खेल रही भाई ये टीम हाइड्रा। फैंस भी काफी इंप्रेस लग रहा है, मुझको काफी खुश लग रहा है अपनी टीम से, क्योंकि देखिए 6 फिनिशेस ऑलरेडी निकाल चुकी है और कोई प्लेयर बाहर नहीं हुआ है, और अभी तक हाइड्रा के सोलो प्लेयर है डुओ ही बढ़िया परफॉर्म करके गए थे। रेकनिंग के अबरार की बात करते हैं, उनके पास M4 देखने को मिले, स्टेलवर्ट ईस्पोर्ट्स के लिए दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ाएंगे। बोप्रो पहले से ही वहां पे नॉक है, रेवेनेंट का सफर इस मैच से खत्म होगा। 7 टीमें बची हैं इस मैच में, लास्ट 7 टीम्स विद टोटल 18 प्लेयर्स। लेट्स हाइड्रा तो अभी के लिए एक अच्छे एरिया पे, लेकिन एक चीज देखिए हाइड्रा के पीछे कोई टीम नहीं है, राइट में जरूर है थोड़ा सा। आप देखिए वहां पे ब्लाइंड मुझे देखने को मिली सामने, रेकनिंग मैक्सी ओपी रोक के थोड़ा सा होल्ड करके पूरा प्लेयर आपको देखने को मिलेगा और उसको आप इजीली बाहर कर सकते हो, और इससे बढ़िया लेजर स्प्रेस चाहिए थे वहां पे। मैक्सी बच गए पाव किलो के हाथों, लेकिन एक्सो बढ़िया खेल रही, बट पंक को वहां पे दिक्कतों में डाला गया कि आप ब्रार को बाहर कर पाएंगे। बट आई डोंट नो, मेरे को सिर्फ और सिर्फ पाव किलो ही क्यों फ्रैक्स लेते हुए दिख रहा है, बाकी प्लेयर्स की तरफ से भी कुछ शॉट्स आने चाहिए, वो दिक्कतें काफी ज्यादा क्रिएट कर देंगे। ब्लाइंड के विलियम जेट थे वहां पे एलीट के लिए दिक्कतें बढ़ाते हुए दिखेंगे, उसी के साथ साथ हाइड्रा के पाव किलो देखने को मिलेंगे। राइवलरी की अक्षय वहां पे एलीट के फर्स्ट ओपी को बाहर करेंगे, राइवलरी की टीम बस तो गई है, बट वही चीज है कि फाइनल बॉस को रिवाइवल देना पड़ेगा। उसी के साथ साथ हाइड्रा के प्लस, यहाँ व्रैथ एक अच्छे एरिया पे, ऋषभ भी एक अच्छे एरिया पे है। जोन अब इन पे नहीं कटा है, लेकिन जोन जिन पे कटा है उनके ऑलरेडी 2 से 3 प्लेयर पहले से ही नॉक है। देखिए आपको मिनी मैप में भी देखने को मिल रहा होगा जनता, वहां पे एक प्लेयर नॉक था, एक को रिवाइवल मिल चुका है। अक्षय को भी टेक डाउन किया जाएगा, बट उनके पीछे से जोन के अंदर से किसी प्लेयर ने वो नॉक किया था, और जी नहीं अबरार ने वो सिक्योर किया, लेकिन मुझे एक प्लेयर देखने को मिला था जोन के अंदर, ऑलरेडी वो सिक्योर हो जाएगा, आपको किलफीड में भी उनका नाम आएगा। 3 टीमें बची है 8 प्लेयर्स के साथ, रेकनिंग के प्लेयर्स के ऊपर हाइड्रा के लगातार जो स्प्रेज है वो देखने को मिल रहे हैं। हाइड्रा के प्लेयर्स पूरा ट्राई कर रहे हैं कि कैसे तैसे करके रेकनिंग को रोक लिया जाए, बट हाइड्रा भी इजिली जोन तक पहुंच सकती है, रेडर उनके लिए जोन ज्यादा दूर नहीं है। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे बात करते हैं पाव किलो सेंसेई सारी के सारी टीम है, तो हाइड्रा की जनता आप खुश हो कि नहीं, आपकी टीम को दिखा रहे हैं हम लोग, अब तो ओपी करो चैट पे। उसी के साथ साथ बात करते हैं आपको नहीं हो रहा देखने को मिलेंगे, जो कि ऋषभ है ओपन में गए हैं, वहां पे पाव किलो अबरार भी डिप पे है, सो इतना इजी उनके लिए भी नहीं होगा। वो चीज आप पे थोड़ी सी इंपैक्ट डालेगी जरूर, बट वही चीज अभी जोन बहुत बड़ा है। देखिए अगर आप थोड़ा सा जोन की बात करिए 3 टीमों के अकॉर्डिंग तो बहुत बड़ा है, और मैंने जो बोला था ना आपको एक्सो की इतनी कंसिस्टेंट टीम और इतनी सक्सेसफुल टीम कैसी बनी, क्योंकि उनका हर एक प्लेयर अपना बेस्ट देता है। आप सेंसेई की बात करिए, मैच में उनकी टीम के सिर्फ अकेले वही बचे अपनी टीम से एक्सो से, बट स्टिल इन द सेंटर ऑफ द जोन, सो ये चीज कहीं काफी ज्यादा इंपैक्ट डालेगी। और सेंसेई को स्पॉट आउट करना उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन सेंसेई ट्राई करेंगे ज्यादा से ज्यादा फ्रैक्स निकालने का। व्रैथ वहां पे एक और प्लेयर को टेक डाउन करते हुए दिखेंगे, नहीं हो रहा अभी भी होल्ड करते दिख रहा है सेंसेई, जी हाँ ट्राई होल्ड करिए, बट वही चीजें सेंसेई हाइड्रा के लिए दिक्कतें ना बढ़ाते। नगेट को अभी भी पता नहीं है कि वहां पे सेंसेई है कि नहीं, बट स्पॉटर क्या जाएगा हाइड्रा ने किया वहां पे एक्सो का सफर खत्म, लेकिन नगेट नॉक हो चुके हैं। ब्रैथ नॉक हुए थे, उनको भी रिवाइवल दिया गया, लेकिन ब्रैथ अपना हेलमेट खो चुके हैं वहां पे, फाइट लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, बट यहाँ पे रिवाइवल देने के लिए गए जरूर, बट ऋषभ को भी टेक डाउन किया जाएगा। पाओ किलो रिवाइवल पहले प्रियोरिटी होती है, बट हाइड्रा
हाइडर ने निकाला है चिकन डिनर इफ आई एम नॉट रॉन्ग रेडर, जी क्योंकि रेकनिंग के पास डिसएडवांटेज था उसका हाइट का, तो वही उसका पूरा फायदा उठाया हाइड्रा ने। दैट्स व्हाई पाव किलो पहले स्प्रेस के लिए गया, बाद में उन्होंने कहा मैं रिवाइवल पे जाऊंगा। अभी मेरी पहली प्रायोरिटी कि मैं उस आखिरी प्लेयर के ऊपर शॉट्स कनेक्ट करूं। और जनता वो दिल होता है ना एक, यहाँ पे देखो आपके उसमें इमोजी टैप में कर दिख दो। रहा होगा, उसको टैप कर दो हाइड्रा के नाम के साथ।